जी, कई लोग हमें कई नजरों से देखते हैं। कोई हमें ऊंचे स्थान पर रख के देखता है तो कोई हमें नीचे स्थान पर रख के देखता है। कोई हमें अच्छी नजरों से देखता है तो कोई बुरी नजरों से देखता है। वैसे ही बाइबल में भी एक स्त्री थी, उनका नाम था सारा। उनको सभी लोग बांझ स्त्री ऐसे बुलाते थे, बांझ स्त्री है इस नजर से सब लोग उन्हें देखते थे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कभी भी एक बांझ स्त्री के रूप से नहीं देखा, एक बांझ स्त्री की नजरों से नहीं देखा, बल्कि सारा को उन्होंने जाति जाति की मूल माता के नजरों से देखा और बाद में उन्हें जाति जाति की मूल माता बनाया भी। वैसे ही हमारे जीवन में भी कई लोग हमें कई नजरों से देखते हैं। वो लोग कैसे भी हमें देखे, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में हम लोग अनमोल हैं। वचन में लिखा है, यहोवा दरिद्रों को दुखों से छुड़ाकर ऊंचे स्थान पर रखता है। भले आप कितने भी दुखी हो, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, परमेश्वर के सामने आप अनमोल हैं और वो आपको जरूर ऊंचे स्थान पर रखेंगे। हैव अ